हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम नंबर 8.1 पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा, हम थ्योरम भी करने वाले हैं, उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 8.1 क्या कहती है। ए डायगनल ऑफ ए पैरलोग्राम डिवाइड्स इट इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। सो बहुत आसान है बच्चों ना, इस थ्योरम को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, आपका पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह का बनता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एंड इसको हम नाम दे देंगे ए एंड बी एंड सी एंड डी। ओके बच्चों, अब जो डायगनल है, ठीक है, जो डायगनल इसको डिवाइड करेगा दो पार्ट में, उसको चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, चॉइस आपकी है। ठीक है बच्चों, सो ए सी जो है वो आपका डायगनल होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखोगे तो ये इसको जो एंगल है इसको दो भाग में डिवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, तो अलग अलग एंगल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग एंगल नाम देंगे वन, इसको हम एंगल नाम देंगे टू एंड थ्री एंड फोर। टू मेक इट इजियर, सो वी आर गिविंग द नेम्स, ठीक है, टू द लाइक एंगल्स। ओके, सो लेट, ठीक है, लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, एंड ए सी, एंड ए सी इज एन इज ए डायगनल। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि हमने बनाया भी है। ठीक है, अब आप देखोगे एज पर द थ्योरम ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, अब जो ये आपका जो डायगनल है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है बच्चों। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी डी, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो करना है आपको बेसिकली वो ये करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है ट्रायंगल ए डी सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है, यही मैं बताना है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर नोट करना है आपको, नोट करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा आपका जो बी सी है बच्चों, ठीक है, वो पैरेलल होगा ए डी के। ठीक है बच्चों, और जो ए सी है आपका, जो ए सी ये है, ये इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, सो अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, ए सी, सो हम लोग मतलब लिख सकते हैं ना, ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों, ये कॉमन है दोनों में। ओके, इसको सही से करने का तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, वैसे करना है आपको एग्जाम में, वैसे करता है कि आपको मार्क्स अच्छे से मिले। सो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है बच्चों। एंगल आपका जो वन है, ठीक है बच्चों, वो इक्वल टू क्या है, एंगल फोर होगा। कैसे होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, नाउ सेकंड वन, एंगल टू इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल थ्री होगा। ठीक है बच्चों, कैसे, ये भी कैसे होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो एंगल है, वन साइड है, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, कैसे होगा, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है बच्चों, रूल से। ठीक है, बहुत आसान था, हमको यही बताना था बच्चों, यही दिखाना था, ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इसका जो जो डायगनल है वो डिवाइड करता है दो ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है बच्चों, यही मेरे को बताना था। थ्योरम वन अभी कंप्लीट होती है यहाँ पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 8.2 थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।